ब्रेक के बाद दुनिया के सबसे संजीदा खबरों के कार्यक्रम समाचार में आपका स्वागत है और बात अब करते हैं पान सिंह तोमर की। पान सिंह तोमर पर लग गया है स्क्रिप्ट चोरी करने का आरोप, यानी कहानी चोरी करने का आरोप। लेकिन सबसे पहले जानते हैं उनकी कहानी, आइए देखते हैं जरा। बिहार में बागी होते हैं डकैतों से पार्लियामेंट में, हमको डरना है, आप लोग उनको डरे तो आप कहीं नहीं खरीदते सरेंडर। भाई ये थी कहानी पान सिंह तोमर की, और अब चलते हैं सीधा पान सिंह तोमर के पास, जो कि पान सिंह के गैंग के एक लौते सदस्य हैं। काय बोड़ा कितने आ रहे हो इंटरव्यू चाने? काय देश ने इतना तरक्की कर ली के का सीधा टीवी पे दिखाई? पान सिंह तोमर जी, आप भला एनकाउंटर में कैसे बच गए? अरे भजने से। भजने से? कोई भजन से बच भी सकता है? अब भजना बहुत काम को है, पान सिंह भी बहुत भजते आते। अच्छा, लेकिन हमने तो सुना था कि वो डाका डालते थे। हाओ बे भजके तो डाका डालत होते। क्या बात है, व्हाट अ रिलीजियस डाकू। अबे बागी बोल डाकू नहीं। सॉरी, तुम्हारे नसीब अच्छा है कि तुम तान सिंह से बच गए हो। एक बार तान सिंह बंदूक तान ले तो छोड़त नहीं है, और एक बार पान सिंह भज ले तो रोकत नहीं है। ए तुम भी भजा करो मोड़ा, फिर निकल गए हो तुम्हारो। ओके ओके, मैं भी भजूंगा, मैं भी भजूंगा। लेकिन ये बताइए कि तान सिंह भला डाका कैसे डालते थे? बज के वो कहां भजते थे? चंबल में। चंबल में? सुना है चंबल में आने से पहले वो फौज में थे। वहां वो क्या करते थे? भजते थे। वहां भी भजते थे? अच्छा ये बताइए कि भला वो किस भगवान का भजन करते थे? जो ना है पतो। अरे भजन माने वे ऐसे उछल उछल के भजते थे। ओहो, मतलब कि वो भागते थे, रेस करते थे। हाउ वे भजते थे। सुना है कि उन्होंने देश के लिए काफी मेडल जीते, कहा है वो? हमारे गैंग पे दूसरे डाकुओं ने धावा बोल दो तो भाई लूट लेगा सबरे मेडल। ये डाकू कौन थे? सरकारी डाकू होते बे, वर्दी वाले। सुना है पान सिंह पर बनी फिल्म पर विवाद हो गया है, उनके भतीजे ने कहानी चोरी का आरोप लगाया है। कहानी वो चोरी होता है जो कल्पना में बने, लेकिन पान सिंह तुम्हारी कहानी तो जिंदगानी होती, ऊपर कौन इल्जाम लगा रहा? तो आपने पान सिंह तोमर फिल्म देखी है? हाँ, फिल्म में सूबेदार तो अच्छो बजे हैं, लेकिन हमें तो सब अच्छो लगो जब हम मोड़ा मोड़ी के दूस नहीं भेजे होते। मुझे भी वो सीन काफी पसंद आया। आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल एक केमिकल फैक्ट्री में गनमैन है, ड्यूटी कर रहे हैं। पान सिंह की याद आती है आपको? जब टीवी पर कौनो खिलाड़ी को भजत देखते हैं तो सूबेदार की बहुत याद आता है। अरे भैया बहुत हो गया भैया, बड़ा पका दिया तुम लोगों ने बे। अबे तान सिंह अभी कोई करेक्टर नहीं दबे पिक्चर में। अबे पान सिंह का अबे हमने क्या करो? अबे चिकबांसू ने इतना नहीं पकाया हमको भैया जी, तो तुम लोगों ने पका दिया भैया। अरे क्या भैया? अरे जाओ भैया, एक तिकमान की दूलिया बनेंगे भैया पान सिंह तोमर का सीक्वल। अरे ये तुम्हें याद नहीं भैया, फिर मोड़ा है ना भैया सैनिक, और सैनिकों का आज भी रिटायरमेंट के बाद वही हाल होता है जो भैया पान सिंह तोमर का हुआ था। तो तैयार रहिए भैया एक बार और देखने के लिए पान सिंह तोमर आएगा पार्ट टू। भैया चकी सर है बहुत हो गया भैया, तो भजले। अरे तू भजले बहुत हो गया, अरे तुमने बड़ा पका दिया हमको भैया। अरे दिमाग घुमा दिया यार, अरे कब से पकड़ा रहे यार तुम लोग तान सिंह बना गए? तान सिंह का कोई करेक्टर नहीं था भैया, तुम लोग भर जाओ भैया। अच्छा चकी सर तू भी भजले, अब भजले वरना इतनी गोलियां मारेंगे भैया तुम्हारे हम। अरे आगे नहीं, ये फैमिली चैनल है। चलिए आज हम भी भजते हैं, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खबरों का इसी तरह होता रहेगा प्रहार, क्योंकि ये है समाचार।
मुझे दीजिए इजाजत, सहारा प्रणाम। अरे कहा आप इंसानों को लड़ा के छोड़ दिए बजले वर्मा, इतनी गोलियां मारेंगे भैया तुम्हारे हम कि डॉक्टर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अरे श्रीवास्तव तो राज्य में लाखों है, हमको याद नहीं है, नाम याद नहीं, याददाश्त चली गई है।